हेलो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग की सीरीज में आज हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें ये कहा गया है कि हमें सैलरी कंप्यूट करनी है एक पर्सन की। सैलरी को कंप्यूट करने के लिए कुछ पैरामीटर्स यहाँ पे गिवन है। ये बताया गया है कि टोटल सैलरी कैलकुलेट होती है बेसिक प्लस HRA प्लस DA प्लस एक स्पेशल अलाउंस है, और उसमें से PF को या जो प्रोविडेंट फंड है उसको सब्सट्रैक्ट कर देना है। सो DA का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस, HRA का मतलब हाउस रेंट अलाउंस, और एक स्पेशल अलाउंस कभी कभी सैलरी में आपको प्रोवाइड किया जाता है। और इसके बाद हमें एक और पैरामीटर गिवन है जिसके हिसाब से हमें अलाउंस कैलकुलेट करना है। इसमें हमें यूजर से इनपुट कराना है कि ग्रेड क्या है। सो ग्रेड अगर ए है तो अलाउंस 1500 फिक्स होगा, ग्रेड अगर बी है तो अलाउंस 1300 फिक्स होगा, ग्रेड अगर सी या फिर कोई और ग्रेड है तो उस केस में 1300 हमारा ग्रेड अलाउंस होगा। तो सैलरी कैसे कंप्यूट की जाती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर लूँ, मान लीजिए कि आपकी जो बेसिक सैलरी है वो 1000 रुपीज़ है। तो अगर 1000 रुपीज़ बेसिक सैलरी और आपसे कहा गया कि आपका 70% DA है, तो हम क्या करेंगे कि 1000 में 700 रुपीज़ ऐड कर देंगे, क्योंकि 1000 का जो 70% होगा वो 700 होगा। इसी तरह से अगर हमसे कहा जाता है कि हमारा 10% HRA है, हम क्या करेंगे कि इसमें 100 रुपीज़ और ऐड कर देंगे, क्योंकि 1000 का 10% 100 रुपीज़ होता है। और अगर हमसे ये कहा गया कि हमारा जो ग्रेड है वो बी है, तो उस केस में जो अलाउंस है वो कंडीशन थोड़ी सी, थोड़ा सा आप इसको समझिएगा कि जो ग्रेड ए है तो उस केस में जो अलाउंस है वो 1700 है। इसी तरह से जो ग्रेड बी है तो उसका जो अलाउंस है वो 1500 रुपीज़। तो हमने यहाँ पे माना है कि हमारा जो ग्रेड है वो बी है, और इसलिए इसका जो अलाउंस होगा वो 1500 रुपीज़ होगा। टोटल सैलरी मेरी कितनी हो गई, 1000 प्लस 700 प्लस 100 और प्लस 1500। इसका मतलब है कि मेरी सैलरी हो गई 1000 प्लस 2300 रुपीज़ अदर अलाउंसेस हैं, तो टोटल सैलरी मेरी हो गई 30। अब ये जो सैलरी है वो टेक अवे होम सैलरी नहीं है, इसमें से PF कट जाएगा। तो PF कितना है, PF इज 11% ऑफ द बेसिक। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि हमारा बेसिक है 1000 रुपीज़, तो 1000 का 11% होगा 110 रुपीज़, और ये इसमें से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। टेक अवे होम सैलरी जो होगी वो होगा 3190 रुपीज़। इसी बेसिस पे हम ये कैलकुलेशन करेंगे, ये हमने एक एग्जाम्पल लेके समझा। और इसी तरह से अगर हमें ये पता हो कि हमारे पास बेसिक सैलरी क्या है, तो डीए एचआरए के रेट्स यहाँ पे फिक्स कर दिए गए हैं, ग्रेड्स यहाँ पे फिक्स कर दिए गए हैं। हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल इसी के अकॉर्डिंग मिलते हैं। लेट्स से हमने यहाँ पे इनपुट कराया कि हमारी जो बेसिक सैलरी है वो 5000 रुपीज़ है, उसके बाद आपको सारे कैलकुलेशन करना है। तो अगर ये बेसिक सैलरी है तो इसको मान लेते हैं कि दिस इज बी। बेसिक सैलरी जो बी है उसमें आपको अलाउंसेस ऐड करना है। अलाउंसेस कितने हैं, 20% एंड 50%। इसका मतलब है कि 70% हमारे अलाउंसेस टोटल होते हैं, जो अदर देन ये स्पेशल अलाउंस है। 70% ऑफ बी है वो हम बी में ऐड कर देते हैं, 70/100 ऑफ जो बी है वो बी में ऐड कर दिया जाएगा, और प्लस एक अलाउंस भी इसमें ऐड कर दिया जाएगा जो कि कंडीशनल होगा। कंडीशन मतलब कि ग्रेड ए है तो 1700, ग्रेड बी है तो 1500, अदरवाइज 1300। ठीक है, टेक अवे होम सैलरी कितनी होगी, ये हमने सैलरी कंप्यूट कर लिया। एंड देन टेक अवे होम सैलरी विल बी इक्वल्स टू सैलरी इज इक्वल्स टू सैलरी माइनस बी का 11% जो कि PF। सो दिस इज द वे वी कैन कैलकुलेट द सैलरी। तो आइए इसको बोल करके देखते हैं, इसी में हम एडिटिंग करके ऑलरेडी हमारे पास केसेस गिवन है, तो आइए इसको कोड करते हैं। यहाँ पे वही मैंने जो कंडीशंस गिवन थी उसको यहाँ पे लिख लिया है। आप चाहें तो इसको कमेंट लाइन में कर लें, या फिर आप याद रख सकते हैं तो उसको याद रखिएगा। मैं सबसे पहले कोड लिख देता हूँ एंड देन इसके बाद इसको इन कंडीशंस को रिमूव कर दूंगा यहाँ से। तो हमें यहाँ पे क्या क्या इनपुट करना है, हमें सैलरी इनपुट करना है, सैलरी कंप्यूट करना है। और सैलरी कंप्यूट करने से पहले हमारे पास एक बेसिक सैलरी होनी चाहिए, मान लेते हैं कि बेसिक सैलरी बी है। और उसके अलावा हमें ग्रेड इनपुट कराना पड़ेगा। ग्रेड को इनपुट कराने के लिए हमें ग्रेड नाम का कैरेक्टर मिलते हैं, और इसके अलावा हमें सैलरी कंप्यूट करनी है। तो जो सैलरी हमें कंप्यूट करनी है उसमें यह कहा गया है कि
लास्ट लाइन ये कहा गया कि हमें केवल राउंडेड ऑफ वैल्यू इंटीग्रल पार्ट वैल्यू लेनी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सैलरी को फ्लोट में कैलकुलेट कर लेते हैं एंड देन इसके बाद इस सैलरी को इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं। यस मान लेते हैं कि वो सैलरी। तो इसको कैलकुलेट कैसे किया जाए, हम सबसे पहले यूजर से इनपुट करा लेते हैं कि बेसिक सैलरी कितनी है और हमें कुछ एक पैरामीटर इनपुट कराने की जरूरत है कि क्या ग्रेड है। ग्रेड को हम जी आर डी वेरिएबल माना है। यूजर कैसे इनपुट करेगा इसके लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे पूछा है सी आउट स्टेटमेंट के साथ एंटर बेसिक सैलरी एंड देन इसके बाद एक और स्टेटमेंट सी आउट एंटर दी और यहाँ पे आप उसको हिंट दे दीजिए कि ग्रेड क्या है, ए या बी या सी। राइट, तो अब यहाँ पे हम सैलरी कैलकुलेट करते हैं। कैसे सैलरी कैलकुलेट करेंगे, सैलरी विल बी इक्वल्स टू बेसिक सैलरी प्लस बेसिक का अलाउंसेस के साथ में। तो अलाउंसेस कितने हो गए, 20% हमारा एचआरए है और 50% बेसिक है, तो 70% हमारे अलाउंसेस हो गए। तो 70/100 ऑफ बी ये हमारा अलाउंसेस हो गया। अच्छा, 70/100 हमें इंटीजर बाय इंटीजर डिवीजन से इंटीजर वैल्यू दे देगा, तो ये हम नहीं चाहते। तो हम क्या करते हैं कि इसको 70/100.0 कर देते हैं। ठीक है, इससे ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू हमें प्रोवाइड करेगा। अच्छा, अभी हमें अलाउंसेस नहीं पता, जो स्पेशल अलाउंसेस के बारे में नहीं पता, वो ग्रेड के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। तो एक काम करते हैं कि इससे पहले हम उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना अलाउंस होगा। इसके लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं और इंटीजर अलाउंस। तो यहाँ पे हम कैसे चेक करेंगे कि अगर ग्रेड इज इक्वल्स टू कैपिटल ए तो उस केस में हमें अलाउंस नाम के वेरिएबल में 1700 रुपीज सेट करते हैं। लेकिन अगर ग्रेड ये नहीं हुआ तो हम चेक कर लेंगे कि क्या ग्रेड बी है, और अगर ग्रेड बी होगा तो हम कहेंगे अलाउंस नाम का जो वेरिएबल है उसमें 1500 हमने सेट कर लिया। अब ग्रेड ए बी के अलावा कोई भी और ग्रेड होगी तो उस केस में हमने ये बोला है कि अलाउंस की वैल्यू 1300 होगी। अलाउंस इज इक्वल्स टू 1300, तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया अलाउंस। इस अलाउंस को हम इसमें सैलरी में ऐड कर लेते हैं। इसके बाद हमें पीएफ को इसमें से सब्सट्रैक्ट करना है। तो पीएफ हम कैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, जो टोटल बेसिक सैलरी है उसका 11%, सो बी इंटू 11/100। अब इसकी वैल्यू सही आए तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 11/100.0 कर लेते हैं। ये 100.0 आपको तो मैं अभी बता चुका हूँ कि अगर इंटीग्रल पार्ट अगर आपको फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू लेके आनी है तो आप ऐसे ही करेंगे, अदरवाइज 11/100 हमें 0 देंगे। सैलरी हमने कंप्यूट कर लिया है। अभी ये जो सैलरी है फ्लोटिंग पॉइंट में आएगा, इसको इंटीजर पॉइंट पर डालने के लिए हमने इंटीजर वेरिएबल में इसको सेव कर दिया है एस इज इक्वल्स टू सैलरी। तो इस तरह से हम एक छोटा सा कोड कंप्लीट करते हैं। एक बार इसको रिव्यू कर लेते हैं कि हमें सारे वेरिएबल्स ले लिए। यस, इंटीजर बी बेसिक सैलरी, कैरेक्टर ग्रेड, इंटीजर अलाउंस, फ्लोट सैलरी और इंटीजर सैलरी। इनपुट हमने कराया बेसिक सैलरी, इनपुट हमने कराया ग्रेड। ग्रेड अगर ए है तो अलाउंस 1700, अदरवाइज अगर ग्रेड बी है तो 1500, अदरवाइज ग्रेड 1300। सैलरी कंप्यूट करने के लिए जो फार्मूला है इसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं। बी इज द बेसिक सैलरी, फिर बेसिक सैलरी में डी और एचआरए अलाउंसेस को हमने ऐड कर दिया। देखिए बी दो बार इसमें गलती हो गई, बी इंटू दिस वन एंड देन इसमें हमने अलाउंस को ऐड कर दिया और इसमें से पीएफ को हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया। फाइनली हमने जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू आ रही थी उसको इंटीग्रल पार्ट में सेव कर लिया और इसको सेव करके देखते हैं, इसको प्रिंट करके देखते हैं। सो टोटल सैलरी इज इक्वल टू यस, रन करके देखते हैं इसको। ओके फाइन, जो ऊपर वाला ये हमने स्टेटमेंट लिखा था इस स्टेटमेंट को हटा देते हैं जो कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। सेमी कॉलन नहीं लगा इसको लगा। प्रोग्राम इज आस्किंग अबाउट द बेसिक सैलरी, सो लेट्स से 1000 रुपीज मेरा बेसिक सैलरी है। ग्रेड मान लेते हैं कि हमारा
तो टोटल सैलरी है 3,090 रुपीज। ये शायद हमने कैलकुलेट करके देखा भी था, दिस वे वी आर एबल टू फाइंड आउट। सो विल मीट विद द नेक्स्ट प्रोग्राम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।